जब भी भरोसा करो सावधानी से, क्योंकि कभी कभी हमारे खुद के दांत भी हमारी खुद की जीभ को काट लेते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि, और लेखक का नाम है शरद जोशी। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में एक मेजबान और अतिथि यानी मेहमान के बीच संबंधों के संक्रमण पर प्रकाश डाला गया है। लेखक शरद जोशी स्वयं मेजबान की भूमिका में हैं। जब उनके घर अचानक एक अतिथि आ जाता है, तो वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस अतिथि का अच्छे से स्वागत करते हैं। अतिथि कितने दिनों तक ठहरेगा, इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देकर वह अतिथि की मेहमान नवाजी में जुट जाते हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति की छाप साफ साफ देखी जा सकती है। अतिथि के लिए रात्रि भोजन को डिनर का रूप दिया जाता है। उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। दूसरे दिन लंच पर भी अतिथि की मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। रात में सिनेमा दिखाने का इंतजाम भी किया जाता है, ताकि अगले दिन अतिथि उनकी मेहमान नवाजी की छाप अपने दिल में बसाए घर से विदा ले। लेकिन ऐसा नहीं होता। तीसरे दिन अतिथि अपने कपड़े लॉन्ड्री में धुलने के लिए देता है। इस बीच लेखक और उनकी पत्नी की बेचैनी बढ़ जाती है। लेखक अतिथि से परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति आदि की सभी बातें कर चुके हैं, लेकिन अतिथि के जाने का कोई संकेत नहीं मिलता। चौथे दिन लंच डिनर आदि कराने के स्थान पर अतिथि के सामने घर में बनी खिचड़ी परोसी जाती है, यानी तरह तरह के पकवान की जगह खिचड़ी ने ले ली। 4 दिनों के आतिथ्य में लेखक को लगने लगता है कि अतिथि सदा देवता नहीं कहलाते। इस तरह सत्कार में भी लगातार कमी आने लगती है। यहाँ तक कि लेखक कल्पना में तय भी कर लेते हैं कि यदि उनके घर में अतिथि की 5वीं सुबह अंतिम ना हुई, तो उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाएगी। इस तरह कहानी में शरद जोशी जी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित के घर बिना बताए चले जाते हैं और घर से जाने का नाम नहीं लेते। धन्यवाद।